संस्कार चेंज करना ज्यादा इजी है या डॉक्टर बनना? डॉक्टर बनना। ये कैसे लगा आपको और ये क्यों लगा आपको? डॉक्टर बनना, कितने सालों की पढ़ाई, इतनी मेहनत, आप ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा मुश्किल संस्कार चेंज करना है? पता है क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आप डॉक्टर बन चुके हैं। जो चीज़ हम कर लेते हैं वो चीज़ कैसी लगती है? ईजी लगती है। और जो अभी की नहीं वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। लेकिन वो मुश्किल सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वो की नहीं। मैंने सोचा होगा डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आज उस तरफ नहीं बैठ पाई। आप बैठ पाए क्योंकि आपने कहा मुझे डॉक्टर बनना ही है। That's all that the mind needs. आपने कहा मुझे बनना ही है, मैंने कहा मैं नहीं बन सकती। See the difference? मैं नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि मेरे मन ने कहा ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं इतने साल पढ़ाई कर सकती, मैं नहीं इतने साल मेहनत कर सकती। कह दिया, भाग्य बदल दिया, नहीं बने। तो आज आप कौन सी लाइन को चेंज करेंगे? संस्कार चेंज करना, संस्कार चेंज करना, आदत चेंज करना, आदत चेंज करना। द थॉट विल ईदर बिगिन द जर्नी और नॉट इवन लेट द प्रोसेस स्टार्ट। If I say it's very difficult to be a doctor, I cannot become, I did not even begin. आपने begin भी किया, मेहनत भी कर ली, बन भी गए और आगे भी बहुत कुछ बनते जा रहे हैं। One thought, only one thought. जिसने कहा संस्कार चेंज करना बहुत difficult है, वो उन्हीं पुराने संस्कारों के साथ चलते जाएंगे और डे बाय डे वो संस्कार क्या होते जाएंगे? और डिफिकल्ट। और जिसने कहा आदत चेंज करनी है ना, सिर्फ किसकी आदत? किसकी आदत? मेरी आदत। बनाई किसने? बनाई किसने? मैंने। बदलने किसने? मैंने। इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? चेंजिंग अ हैबिट इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड for which we are not dependent on anything else or anyone else. For everything else we have a dependency. For everything else, kyunki everything else is outside. To kisi na kisi cheez par dependency hogi, physical health par dependency hogi, logon par hogi, mausam par hogi, resources par hogi, financial resources par hogi, government policy par hogi, koi na koi dependency hogi. एक ही चीज में किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, जो अंदर है। तो सबसे इजी चीज कौन सी होनी चाहिए? सबसे इजी चीज कौन सी होनी चाहिए जिसमें किसी और की कोई डिपेंडेंसी और इंटरफेरेंस नहीं, जिस पे 100% पावर किसकी? मेरी। तो लेट्स चेंज वन थॉट। चेंजिंग अ हैबिट इज बोलना तो शुरू करिए, हो जाएगा अपने आप। हो जाएगा अपने आप, बहुत इजी है। इन इन बैरियर्स को हटाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स इन माय जीन्स, आई कांट चेंज। आई एम बॉर्न अंडर दैट जोडियक साइन, ये तो मेरी नेचर ही है। ऐसे ऐसे अपने को आशीर्वाद देते हैं कि वो तथास्तु हो जाता है फिर उसके बाद। ये आई कैन नॉट चेंज। किसी को बोलते हैं थोड़ा सा धीरे बोलो, नहीं नहीं सिस्टर मेरा वॉल्यूम ही इतना है। कोई कोई लोग कहते हैं वॉल्यूम नॉब मेरा खराब हो गया, अब इससे कम होता नहीं है मेरी आवाज। एवरी लाइन इज सेइंग नो, आई कैन नॉट चेंज। इट्स ओनली वन थॉट। एंड ये भी सिर्फ एक थॉट है कि चेंजिंग अ हैबिट इज द ईजिएस्ट थिंग टू डू। हम में से कोई भी नहीं है जिसने आदतें नहीं बदली। आपने इस जीवन काल में कोई आदत बदली? बहुत सारी बदली। तो फिर आदत बदलना, आदत बदलना इजीएस्ट है।
कभी कभी अनअवेयर दूसरी डायरेक्शन में भी आदतें बदलनी है हमने। अभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ उन आदतों को वापस इस डायरेक्शन में बदलने के लिए। तो उस तरफ भी हम गए थे, वापस भी हम लाएंगे, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। वी आर हियर फॉर 3 डेज टू रीच द फाउंडेशन ऑफ चेंज। बाहर के सिस्टम्स बदलना, वर्किंग कल्चर बदलना, पेशेंट से एक्सपेक्ट करना कि वो हमें ट्रस्ट करे, ये बोलने से हो नहीं सकता। किसी को ज़बरदस्ती बोल के विश्वास नहीं कराया जा सकता, ट्रस्ट मी आई एम गुड, ट्रस्ट मी नहीं होगा। लेकिन कुछ अपनी ही एनर्जीज में चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे आपको बोलना पड़े ना, लेकिन सामने वाला ट्रस्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। सामने वाला कहे भले दुनिया कुछ भी बोलती है, भले पेपर में कुछ भी आता है, आई नो कि मैं इनको ट्रस्ट कर सकती हूँ। आसपास के लोग कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं ट्रस्ट करना, नहीं आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। ऐसा होता है कभी कभी किसी से मिलकर, होता है ऐसा? हाँ, आप किसी से मिलेंगे, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, यू नो नथिंग, बट यू से आई कैन फील इट। क्या फील किया? क्यों ट्रस्ट करने का मन कर रहा है? क्यों ट्रस्ट करने का मन कर रहा है उस व्यक्ति को? क्योंकि सामने वाला पर्सन इज कैरिंग वेरी हाई एनर्जी वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी रेस करने का समय आया है, फ्रीक्वेंसी रेस करने का समय आया है। आज दिन तक हमारा ज़्यादा फोकस था अपने स्किल्स को बेटर करने का, अपनी हीलिंग के टेक्निक्स को बेटर करने का, टेक्नोलॉजी को बेटर करने का। और हर बार जब भी हम कॉन्फ्रेंस में मिलते तो हर कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य क्या होता? न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्निक्स, विच इज़ वेरी गुड, प्योर इंटेंशन टू गिव द बेस्ट टू द वर्ल्ड, टू गिव द बेस्ट टू आवर कंट्री। लेकिन व्हेन वी हैव टू गिव द बेस्ट टू समवन, तो बेस्ट सिर्फ तरीके और इक्विपमेंट से नहीं होता। बेस्ट विल फर्स्ट बी गिव द बेस्ट, बेस्ट वाइब्रेशंस फ्रॉम मी टू देम।